वेलकम टू एबीसी बी सी कैंपस आज हमारे फारा सिक्सटीन लीजिज़ में अकाउंटिंग बाय लेसी को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं सबसे पहले हम इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट डिस्कस करेंगे फिर सबसिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसकी डेप्रिटेशन या अदरवाइज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है अकाउंटिंग करनी है या इवन रिवेलूशन मॉडल अप्लाई करना है फिर सबसिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ़ लीज़ लाइबिलिटी करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट की वजह से और पेमेंट की वजह से इस लाइबिलिटी में चेंजेज़ आते हैं देन प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कैसे प्रेजेंटेशन की जाती है एंड देन डिस्क्लोजर्स डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इनिशियल रिकगनीशन एंड मेयरमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल रिकगनीशन एंड मेयरमेंट में जर्नल एंट्री जो कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज पर हमें पास करनी चाहिए यानी जिस दिन जो एसेट है वो अवेलेबल हो जाता है लेसी को तो राइट ऑफ यूज़ एसेट डेबिट होगा अपनी कॉस्ट पर इस कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा इसको बाद में डिस्कस करते हैं क्रेडिट होगा बैंक जो अमाउंट आप ऑलरेडी पे कर देते हैं बाज़त इस अमाउंट को आप इनिशियल डिपॉजिट के नाम से कह सकते हैं बाज़ात ये फर्स्ट एनुअल रेंटल होता है या एनुअल फर्स्ट जो पेमेंट होती है लीज की वो होती है जो भी अमाउंट आपने स्टार्ट में पे की है वो अमाउंट बैंक के थ्रू क्रेडिट हो जाएगी फिर जो बैंक uh, या एक्रूवल क्रेडिट होगा एक और रीज़न की वजह से दैट इज़ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया जाता है कि लेसी ने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे की हैं या इनकर की हैं और अभी पे नहीं की तो फिर एक्रूवल को क्रेडिट कर देंगे और पे कर चुके हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे लीज़ लाइबिलिटी को लीज़ लाइबिलिटी में क्या क्या शामिल होता है बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और फिर इसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को जिसको आई एस थर्टी सेवन के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाता है तो ये टोटल फाइव आइटम्स हैं एंट्री में जो मैक्सिमम हो सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो हम नोटिस करते हैं वो सिर्फ दो आइटम होते हैं कि राइट ऑफ यूज़ एसेट को डेबिट करना है और लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है वन बाय वन हमने जो फोर नोट्स मेंशन किए हैं उनको डिस्कस करते हैं नोट वन है कि कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट इक्वल होती है एग्रीगेशन ऑफ ऑल द क्रेडिट आइटम तो जब आप फर्स्ट एंट्री पास करते हैं तो जितने भी क्रेडिट आइटम्स होंगे उनके इक्वल आपने राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट करना है आई एफ में डिफाइन किया गया है कि राइट ऑफ यूज एसेट इक्वल होता है वो अमाउंट जो ऑलरेडी पेड है वो अमाउंट जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की पे हुई है जितने की लीज लाइबिलिटी रिकोगगनाइज की जा रही है और जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की अमाउंट है इसके बाद जब हम बात करते हैं लीज पेमेंट्स की के जो अमाउंट ऑलरेडी पेड है उनका कॉन्सेप्ट क्या है तो उसमें यह है कि एनी लीज पेमेंट्स मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव लीज इंसेंटिव का मतलब होता है कि वो पेमेंट्स जो लेसर लेस्सी के बिहाफ़ पर कर रहा होता है तो अगर कोई लेसर हमारे ब्याव पर कोई इंश्योरेंस के पैसे दे रहा है या कुछ दे रहा है तो वो इसमें से हम लेस कर देंगे और बाकी अमाउंट का करेंगे अब ये अमाउंट चाहे वो इनिशियल डिपॉजिट के नाम पर हो चाहे रेंटल के नाम पर हो चाहे फर्स्ट लीज इंस्टॉलमेंट के नाम पर हो आपने इसको यहाँ पर क्रेडिट करना है अब लोन आइटम नोट नंबर थ्री की बात करते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जाम्पल जो लेस्सी के लिए हैं क्योंकि जो डेफिनेशन हम अर्लियर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो थी कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसर के लिए क्या होती हैं और फिर मैनुफैक्चर और डीलर लेसर ने उसको एक्सपेंस बनाना है तो इसमें शामिल है कमीशन लीगल फीस कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग एंड कंडीशन एंड कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेट्रल एंड पेमेंट्स मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स टू ऑबटेन द लीज तो कमीशन पे किया है कोई लीगल चार्जेस हैं जैसे लीज के कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है कोई लीज टर्म्स एंड कंडीशन को निगोशिएट करने की कॉस्ट है कोई कोलेट्रल कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी जो आपने अरेंज करके दी है कोई गारंटी वगैरह दी है लीज पर आइटम लेते हुए या जो ऑलरेडी किराएदार थे उनको कंपनसेशन दिया ताकि वो छोड़ के जाएं और आपको लीज मिल सके तो इसमें से जो दो आइटम्स हैं उनके ऊपर आप एक स्टेरिक मार्क देख रहे हैं ये सिर्फ तब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर होती हैं जब ये हो ओरिजिनेशन ऑफ द लीज पर यानी कि अगर लीज होगी तो ये कॉस्ट लगेगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो तो आपने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में लेना है अदरवाइज नहीं लेना नोट फोर की बात करते हैं लीज लाइबिलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज दी रेकग्नाइज द लीज लाइबिलिटी फॉर द अनपेड पोर्शन ऑफ पेमेंट क्योंकि जो ऑलरेडी पे हो चुकी है वो तो हम कवर कर चुके हैं एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इफ़ एनी अब लीज पेमेंट की डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी उसमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है डिस्काउंटेड एट द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज और इफ़ दिस इज़ नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल द इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरिंग तो हमारा ये जो फर्स्ट चॉइस होती है डिस्काउंटिंग के लिए दट इज़ इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिड इन द लीज अगर वो अवेलेबल ना हो तो हम लेसिस इंक्रीमेंटल बोनिंग रेट यूज़ करते हैं अब फिफ्थ आइटम जो है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग ये आई एस थर्टी सेवन के मुताबिक रिकॉर्ड होता है जस्ट फॉर अ रेफरेंस आई एस थर्टी सेवन के मुताबिक जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है यूजिंग एंटिटीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उस एसेट uh, से रिलेटेड जो और लाइबिलिटी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक रिस्क होता है उसके मुताबिक तो ये हमारी इनिशियल एंट्री होगी मोस्ट ऑफ द टाइम योर एंट्री वुड बी जस्ट राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज़ लाइबिलिटी क्रेडिट जहां पर एडवांस में पेमेंट नहीं हो रही इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लग रही प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग नहीं है क्वेश्चन में बहुत ही कम क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आती है इसमें लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें कि मैक्सिमम एंट्री क्या होगी तो वो ये आपके सामने है जो इनिशियल रिकग्नीशन एंड मेजरमेंट पर हम रेकग्नाइज करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास दो रेलिवेंट आइटम है राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज़ लाइबिलिटी अब राइट ऑफ यूज एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी जो मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग है वो तो ये कि आप आई सिक्सटीन के मुताबिक कॉस्ट मॉडल अप्लाई करते हैं और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाती है यूजफुल लाइफ की बेसिस पर आई सिक्सटीन के मुताबिक अगर ऑनरशिप ट्रांसफर होनी है अगर लीज टर्म के एंड पर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी है चाहे परचेज ऑप्शन के थ्रू या अदरवाइज तो वो तो फिर आप यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लेकिन अगर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो आप देखेंगे कि यूजफुल लाइफ और टर्म में से कम टाइम क्या है दोनों में से जो अर्लियर होगा जो शॉर्ट पीरियड होगा उसके ऊपर फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर एक एसेट की यूजफुल लाइफ टेन ईयरस है और लीज टर्म सिक्स ईयरस है और ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो फिर आप ओवर सिक्स ईयर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इसकी लॉजिक ये है कि सिक्स ईयर्स के बाद तो वो एसेट आपके पास होगा ही नहीं तो फिर आप ओवर टेन ईयर्स उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो वो इनअप्रोप्रिएट है लेकिन अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो फिर सिक्स ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन रेलिवेंट नहीं है फिर आप उसको जितना यूजफुल लाइफ है उसके ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं फर्दर आपको कैरिंग वैल्यू को जो है एडजस्ट करना होता है बेस्ड ऑन एनी री मेयरमेंट्स एज रिक्वायर्ड फ्राम रीअसेसमेंट ऑफ द लीज़ लाइबिलिटी तो राइट ऑफ यूज एसेट के अंदर जो वैल्यूज़ का चेंज आ सकता है अगर लीज़ लाइबिलिटी में चेंजेस आएँ लेकिन लीज लाइबिलिटी की ये चेंजेस जो है इनिशियल सिलेबस लेवल के ऊपर नहीं है जब हम एडवास्ड लेवल की स्टडीज़ कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो हम वीडियोज़ डेवलप करेंगे उनके अंदर आपको इन पॉइंट्स के बारे में भी बताएँगे और इसके अलावा आपने आई एस थर्टी सिक्स की रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करना है ताकि इम्पेयरमेंट लॉस अगर बनता है तो उसको रेकग्नाइज करें इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे और फिर अगर इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होकर आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आई एस थर्टी सिक्स के मुताबिक रेकग्नेशन करेंगे अब जो डेप्रिसिएशन के लिए हम जनरल एंट्री पास करते हैं दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और राइट ऑफ यूज एसेट या उसकी एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन को आप क्रेडिट कर देंगे लेकिन कॉस्ट मॉडल ऑफ आई एस सिक्सटी सिर्फ इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप राइट ऑफ यूज एसेट को आई एस सिक्सटीन के मुताबिक रिवेलुशन मॉडल पर रिकोगनाइज करें तो अगर आप रिवेलुशन मॉडल अप्लाई करते हैं तो फिर और आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर आप सेम क्लास ऑफ जो एसेट्स हैं उनके ऊपर रिवेलुशन मॉडल अप्लाई करते हैं अब इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ले लें कि एक एंटिटी अपनी प्लांट एंड मशीनरी को रिवेल्यूशन मॉडल पर जो है प्रेजेंट करती है अंडर आई एस सिक्सटीन तो अगर कोई वो लीज़ पर प्लांटेड मशीनरी लेते हैं तो लीज पर जो राइट ऑफ यूज एसेट होगा उसको भी वो रिवेल्यूशन मॉडल के ऊपर ही स्टेट करेंगे यानी आई एस सिक्सटीन के साथ उस क्लास ऑफ एसेट की कंसिस्टेंट पॉलिसी को यूज किया जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जब आप कोई एसेट लीज पर लेते हैं तो उसे आई सिक्सटीन के बजाय आई एस फोर्टी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर एट फेयर वैल्यू मैयर करें एट कॉस्ट मैयर करेंगे तो वो तो यही सेम एज़ आई सिक्सटीन कॉस्ट मॉडल बन जाएगा लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू पे मैयर करते हैं तो उसके लिए रूल क्या है कि इफ अ लेसी ही द फेयर वैल्यू मॉडल टू इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी द लेस इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई दैट मॉडल टू राइट ऑफ यूज एसेट दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो अगर आपका जो राइट ऑफ यूज एसेट है जैसे आपने उसे कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखा है या रेंटल टू अदर्स के लिए रखा है तो वो आई एस फोर्टी की डेफिनेशन को मीट करता है अगर वो लैंड और बिल्डिंग है और अगर आप अपनी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पर प्रेजेंट करते हैं तो फिर इसको भी आपको फेयर वैल्यू मॉडल पर ही प्रेजेंट करना होगा तो एसेट है तो इवेंचुअली डेप्रिशिएट होके वो जीरो हो जाएगा और अगर कोई लैंड टाइप है तो वो डेप्रिशिएट ऑब्वियसली नहीं हो रही होगी लेकिन फिर उसकी फेयर वैल्यू के चेंजेस या रिवेलशन की वजह से जो गेन और लॉस आएगा वो आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे अब लीज लाइबिलिटी की सबसेकेंट मेजरमेंट डिस्कस करते हैं तो इनिशियली तो हमने जो कमेंसमेंट डेट पर जो है रिकॉर्ड uh, की होती है लीज़ लाइबिलिटी वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज़ पेमेंट्स पे रिकॉर्ड की होती है इंक्लूडिंग गारंटिड रेजिडेंट वैल्यू सो आफ्टर द कमेंसमेंट डेटा लेसी री मईर्यर द लीज़ लाइबिलिटी यानी लीज लाइबिलिटी में दो वजह से नॉर्मल चेंजेस आते हैं री मैयरमेंट तो, उसकी जो री असमेंट है कि टोटली लाइबिलिटी की अमाउंट से चेंज हो जाए वो एक अलग फैक्टर है या लीज़ मॉडिफिकेशन एक अलग फैक्टर है लेकिन जो नॉर्मल चेंजेस हैं री मइरमेंट के वो दो हैं नंबर वन के लीज़ लाइबिलिटी बढ़ जाती है इंटरेस्ट की वजह से सो इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट ऑन द लीज लाइबिलिटी तो जब इंटरेस्ट एक्रू होगा तो हमारी लीज लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारी एंट्री भी हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड लीज लाइबिलिटी क्रेडिट तो इस तरीके से इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा और लीज़ लाइबिलिटी बढ़ जाएगी दूसरा जब हम पेमेंट करते हैं तो लीज लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कम हो जाती है तो so, जब हम पेमेंट करेंगे लीज़ लाइबिलिटी लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है लेकिन सम टाइम ऐसी पेमेंट्स भी हो रही होती हैं जिनको हमने इनिशियल मेजरमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया होता यानी वेरिएबल लीज पेमेंट्स हो रही हैं और वो पेमेंट्स हमें उस टाइम पर रिकॉर्ड करनी पड़ती रही है क्योंकि जब स्टार्ट था कमेंसमेंट ऑफ द लीज टर्म था तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पेमेंट करनी पड़ेगी वो कंटिजेंट पेमेंट है एक सर्टन इंडेक्स की बेस पर या किसी रेट की बेस पर और वो चेंज हो जाता है और फिर हमें वो पेमेंट करनी पड़ती है तो वेरिएबल लीज पेमेंट्स दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इनिशियल इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी उनको भी उस पीरियड में रेकग्नाइज करते हैं जिसमें जिस इवेंट जिस पीरियड में किसी इवेंट के ट्रिगर होने की वजह से वो पेमेंट हमें करनी पड़ती है तो आप एक्सपेंस डेबिट करेंगे पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं तो बैंक क्रेडिट नहीं किए अभी तक तो एक्रूवल को क्रेडिट कर देंगे अब लीज़ लाइबिलिटी में ये इंटरेस्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा तरीके कार ये होता है कि हम एक शेड्यूल बनाएं और लीज़ लाइबिलिटी की जो अल्टीमेट प्रेजेंटेशन होती है वो करंट एंड नॉन करंट के तौर पे करनी होती है तो पेमेंट के दो किस्म के शेड्यूल बनते हैं वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फुल डिटेल में एक एक अमाउंट की कैलकुलेशन को देखेंगे तो एक तो पेमेंट इन एरियर्स यानी जब पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड हो रही होती है तो हम एक शेड्यूल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं पेमेंट की डेट ओपनिंग बैलेंस जो लाइबिलिटी का होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं पेमेंट लाइबिलिटी को कम करती है तो लेस कर देते हैं और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है तो अगर हम 2021 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो 2021 का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी टोटल लाइबिलिटी है और जो 2021 का इंटरेस्ट कॉलम है वो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस बता रहा है जो नेक्स्ट ईयर के एंड पर लाइबिलिटी रह जाएगी वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी क्योंकि एक साल के बाद जो लाइबिलिटी बच जाएगी वो नॉन करंट है और टोटल लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस क्या होगा करंट लाइबिलिटी तो क्वेश्चन में अक्सर यही पूछा जाता है जी करंट लाइबिलिटी क्या है नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है तो एक साल आगे तक का शेड्यूल बनाते हैं ताकि करंट और नॉन करंट को आइडेंटिफाई कर सकें इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट्स इन एरियर्स ना हो रही हूँ पेमेंट्स इन एडवांस हो रही हूँ तो पेमेंट्स इन एडवांस हो रही होंगी तो हमारे शेड्यूल में पेमेंट डेट ओपनिंग बैलेंस क्योंकि पेमेंट पहले हो रही है तो पेमेंट का कॉलम बन जाएगा फिर हम नेट बैलेंस ले लेंगे या सब टोटल कह देते हैं इसे कि पेमेंट लेस करके जो बैलेंस आता है उस पर हम इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा तो अगर हम 2021 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टू थाउजेंड वाले ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी टोटल लाइबिलिटी है उस साल में जो इंटरेस्ट कॉलम है वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस शो कर रहा है और उससे नेक्स्ट ईयर का जो पेमेंट के बाद का बैलेंस है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है और नेक्स्ट ईयर में जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटी है प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या नोट्स में आपने राइट ऑफ यूज एसेट को कैसे रिफ्लेक्ट करना है नंबर वन तरीका तो इसका ये होता है कि आप राइट ऑफ यूज एसेट को सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं फ्रॉम अदर एसेट्स यानी जो आपके खुद ऐसे एसेट्स एसे हैं जो ऑनरशिप में है जैसे हमारे पास वो लैंड और बिल्डिंग है जो हम ओन करते हैं वो अलग और जो राइट ऑफ यूज एसेट है वो अलग या दूसरा तरीकेकार ये होता है कि हम राइट ऑफ यूज एसेट को विद इन द सेम लाइन आइटम इंक्लूड कर देते हैं जैसे लैंड बिल्डिंग के साथ ही शामिल कर देते हैं और फिर ये डिस्क्लोज कर देते हैं कि किस लाइन आइटम में राइट ऑफ यूज एसेट इंक्लूडेड है जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में शामिल कर दिए और फिर हम बता देते हैं कि इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इतने जो आइटम्स हैं वो राइट ऑफ यूज एसेट वाले हैं ये रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होती जिसे हमने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट करती है और उसे हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ही जो है शो करना होता है तो उसको तो उसके साथ ही इंक्लूड किया जाता है लीज़ लाइब्रिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं सेपरेटली फ्रॉम अदर लाइब्रिटीज़ यानी बाकी लाइब्रिटीज़ अलग लिखें और इसको अलग लिखें लेकिन ऑप्शन ये भी है कि अगर आप इसको और लाइब्रिटीज़ के साथ कंबाइन करके शो करते हैं जैसे बाजू अकात आप समझते हैं कि लीज़ लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनको सेपरेटली डिस्क्लोज़ किया जाए तो आप कंबाइन अगर शो करते हैं स्टिल यू वुड डिस्क्लोज़ कि किस लाइन आइटम में वो शामिल हैं यानी कौन सी ट्रेड एंड अदर पेबल में आपने उनको शो किया है या शॉर्ट टर्म बोरिंग के साथ उन्हें कंबाइन किया है या आपने उन्हें अदर लाइबिलिटीज़ की

स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बात करें तो जो हर पेमेंट होती है उसके अंदर कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होता है और कुछ प्रिंसिपल पेमेंट होती है तो प्रिंसिपल पेमेंट जो होगी उसे तो आप अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्रेजेंट करेंगे कि फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें आप आई एस सेवन के नॉर्मल रूल्स अप्लाई करेंगे यानी अगर आप अपने बाकी जो इंटरेस्ट होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं तो इसको भी ऑपरेटिंग में शो करें और अगर उसको फाइनेंसिंग में शो करते हैं तो इसको भी फाइनेंसिंग में शो करें लेकिन जो शॉर्ट टर्म एंड लो वैल्यू एसेट की लीजेज हैं उनकी अकाउंटिंग क्योंकि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर शॉर्ट टर्म एंड लो वैल्यू आइटम की लीज़ को कवर कर चुके हैं क्योंकि वो नॉर्मल रेंटल अकाउंटिंग है कि आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट का अगर कुछ डिफरेंस हो तो वो एक्रोवल या प्री पेमेंट रिकॉर्ड हो जाता है तो शॉर्ट टर्म लो वैल्यू एसेट या वेरिएबल लीज पेमेंट्स जो होती हैं जो नॉर्मल ये जो लीज लाइबिलिटीज़ हम पढ़ रहे हैं इनकी मेजरमेंट में शामिल नहीं होती उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्कलोजर्स तो डिस्कलोजर्स की काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और जिस तरह से एफ आर टू के लेवल पर खासतौर पर जो डिस्कलोजर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जी डिस्कलोजर नोट बना दें असी शेल डिस्कलोज इन्फॉर्मेशन अबाउट इट लीज फॉर इच फॉर विच इट इज असी इन अंगल नोट और सेपरेट सेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यानी लीज़ पर आपने सेपरेट डिस्कलोजर नोट बनाना है इसे किसी और चीज के साथ जो है ना बीच में करके शामिल नहीं करना हा अवर अलसि नीड नॉट डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड एल्सवेयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड दैट द इंफॉमेशन इज इंकॉर्पोरेटेड बाय अ क्रॉस रेफरेंस इन द सिंगल नोट और सेपरेट सेक्शन अबाउट लेर एग्जाम्पल अगर आप फाइनांस से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कलोजर दे चुके हैं तो आपको दोबारा उस लीज़ के नोट में उस फाइनेंस कॉस्ट का डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है आप सिंपली फाइनेंस कॉस्ट का लिख कर रेफरेंस लिख दें कि नोट नंबर फाइव में फाइनेंस इससे रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट के डिस्कलोजर के है तो इसी तरह अगर आपने ओवरऑल लाइबिलिटी से रिलेटेड अपने कोलेट्रल्स किसी एक जगह पर डिस्क्लोज कर दिए हैं तो आप लीज़ के नोट में सिर्फ ये मेंशन कर देंगे कि नोट नंबर ट्वेंटी सेवन में इस कोलेट्रल से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स मौजूद हैं तो क्रॉस रेफरेंस कर दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है फिर प्रेफरेंस ये है कि टेबुलर फॉर्मेट में डिस्क्लोजर दें यानी नरेशन के बजाय एक होता है पैराग्राफ लिख दिया उस पर तो लिखें उसको स्टेप वाइज एक जो टेबल बनाकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द प्रोवाइडर स्पेसिफाइड इन अ टेबुलर फॉर्मेट अनलेस अन फॉर्मेट इज मोर अप्रप्रेट अमाउंट डिस्कलोज इंक्लूड कॉस्ट दैट हैज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एनदर एसेट ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड तो उसमें जिस तरह से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और किसी एसेट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाने के बजाय आप किसी और एसेट की कॉस्ट में कैप्टलाइज़ करते हैं क्योंकि जब एक एसेट दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल होता है तो पहले एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो दूसरे एसेट की कॉस्ट में शामिल होती है जितनी रेलिवेंट हो तो वो अमाउंट भी आपने बतानी है इसके अलावा दूसरे स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स की जो डिस्क्लोजर्स की हैं वो फॉलो करेंगे फॉर एग्जांपल अगर आपने राइट ऑफ यूज एसेट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट करता है और ऐसे क्लासिफाई किया तो आप आई एस फोर्टी की जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैं फेयर वैल्यू मॉडल के मुताबिक वो रिफ्लेक्ट करेंगे इसी तरह अगर आप रिवेल्यूड एसेट को मैयर करते हैं एट रिवेल्यूड अमाउंट और आई सिक्सटीन अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो इन्फॉमेशन आई सिक्सटीन की रिक्वायरमेंट है कि रिवेल्यूशन में आपने बताना है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रिवेलेशन क्या थी वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यर वाज अपॉइंटेड और नॉट तो ये इंफॉर्मेशन और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन आई सिक्सटीन के मुताबिक भी आप डिस्क्लोज करेंगे जब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिकली जो बाकी स्टैंडर्ड्स तो अलग बात है लेकिन आई एफ आर एस सिक्सटीन की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक अमाउंट्स टू बी डिस्क्लोज की तो उसमें एक लैसिक को रिपोर्टिंग पीरियड के लिए ये दस इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करनी है डेप्रिशिएशन की अमाउंट जो राइट ऑफ यूज एसेट पे चार्ज की है इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लीज लाइबिलिटी पे रिकॉर्ड किया है शॉर्ट टर्म लीजेज का एक्सपेंस लेकिन इसमें अगर कोई लीज ऐसी है जो वन मंथ से भी कम की है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसी तरह लो वैल्यू एसेट्स की जो लीजेज होती हैं उनका एक्सपेंस लेकिन इसमें ऐसी लीजेज शामिल नहीं होंगी जो शॉर्ट टर्म भी हों और लो वैल्यू भी हों लाइक like अगर हम कहते हैं कि जी एक आइटम है वो लो वैल्यू भी है और उसकी लीज भी दस महीने की थी सिर्फ तो लेस देन ट्वेल्व मंथ थी तो उसको भी डिस्क्लोज करने की जरूरत यहाँ पर इस एक्सपेंस में वो शामिल नहीं होगा एक्सपेंस जो वेरिएबल लीज पेमेंट से रिलेटेड हो जो कि हम ओरिजिनल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी में हमने शामिल नहीं किया होता इनकम फ्रॉम सब लीजिंग सब लीजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने खुद एसेट लीज पर लिया हुआ है और आगे किसी और को लीज़ पर दे देते हैं और ये एक कोई ऐसा जो है ना अनकॉमन सिचुएशन नहीं है ये अक्सर बिल्डिंग्स में ऐसे होता है कि आप एक पूरा शॉपिंग मॉल जो है वो लीज़ पर ले लेते हैं और आगे एक एक शॉप आगे रेंट पर दे रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपने खुद एक एसेट लीज पर लिया हुआ और आगे आप उसे सब लीजिंग कर रहे हैं तो सब लीजिंग से जो इनकम आ रही है वो भी बताएंगे टोटल कैश आउटफ्लो फॉर लीजेस लीजेस के लिए जो टोटल कैश आउटफ्लो है ये जब हम पेमेंट बता देते हैं कि जी हमने टोटल पेमेंट इस पीरियड में इतनी की है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये कैश फ्लो के अंदर भी आ रहा होता है एडिशन टू तो राइट ऑफ यूज एसेट ड्यूरिंग द ईयर जो हुए हैं तो ओपनिंग बैलेंस ये था एडिशन ये था उसके बाद क्लोजिंग ये है तो ये आप बताएंगे डेप्रिसिएशन भी इस तरीके से आप बता रहे हैं और सेल एंड लीज़ बैक ट्रांजेक्शन जो हम बाद के एक लेक्चर में कवर करेंगे एडवांस लेवल का टॉपिक है तो ये उस पे पर सेल एंड लीज़ बैक पर गेन और लॉस के रूल्स हैं आई एफ आर सिक्सटीन के जो कि नॉर्मल uh, जो आई एफ आर एस फिफ्टीन है हमारा रेवेन्यू इन कॉन्टैक्ट विद कस्टमर उससे डिफरेंट है तो उसके मुताबिक इसके गेन और लॉसिज भी डिसक्लोज़ किए जाते हैं और कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बतानी है हर क्लास की अलग यानी लैंड एंड बिल्डिंग की अलग प्लांट एंड मशीनरी की अलग एंड सो ऑन फिर एक डिस्क्लोजर्स जो हमें अक्सर कॉमनली एग्जाम के अंदर डिस्क डाटा अवेलेबल होता है और हमें बनाना होता है न्यूमेरिकल नेचर का दैट इज मैचोरिटी एनालिसिस आई आफर की रिक्वायरमेंट तो ये है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ लेसी जो हमारा लीज़ लाइबिलिटी है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है अंडर लीज अरेंजमेंट रिक्वायर्ड द म एनालिसिस दैट इज डेल्ट बाई आई आर एस सेवन आई आई आफ एस सेवन का टाइटल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्कलोजर्स तो अकॉर्डिंग टू आई आर एस सेवन लेस रिक्वयर टू डिस्कलो मैचोरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर लीज़ पेमेंट विदाउट डिस्काउंटिंग यानी आपने सिंपली जो अमाउंट पे करनी है वो बतानी है प्रेजेंट वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है फर्दर जो बी एलेवन पैराग्राफ है एप्लीकेशन गाइडेंस का आई एफ आर एस सैन सेवन में वे रिक्वायर करता है कि मेचोरिटी एनालिसिस जो बनाना है उसमें जो टाइम बैंडस हैं यानी कि जीरो टू वन ईयर टू टू फाइव ईयर फाइव टू टेन ईयर इस तरह के जो टाइम बैंड हैं वो लेस अपनी जजमेंट यूज़ करें तो जो दो कॉमनली जजमेंट्स हम देखते हैं अक्सर प्रैक्टिकली वो इस टाइप की होती हैं एक मेचोरिटी एनालिसिस ये बनता है जिसमें आप हर साल को अलग शो करते हैं अप टू फाइव इयर्स और फिर मोर देन फाइव इयर्स को आप एक क्यूमलेटिव अमाउंट के तौर पर शो कर देते हैं ये जरा बेहतर रहता है क्योंकि लेसर का भी हम ऐसा ही मेचोरिटी एनालिसिस बनाते हैं तो अगर आप ये वाला फॉलो करते हैं तो इसमें आसानी ये रहेगी कि लेसर और लेसर का एक जैसा बना रहे होंगे तो कन्फ्यूजन राइज होने के जो मार्जन हैं वो कम है लेकिन एक आल्टरनेटिव भी है जो प्रीवियस आई एस सेवनटीन के अंदर भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी वो भी ऐसी ही थी लेस देन वन ईयर टू टू फाइव ईयर्स और मोर देन फाइव ईयर्स ऑब्वियसली ये थोड़ा टाइम सेविंग है लेकिन लेसर में ये वाला अलाउड नहीं होता जो हम सेकेंड वन देख रहे हैं तो फर्स्ट वन अलाउड होता है इसलिए अगर इसको आप ज़्यादा यूज़ करेंगे लेसी और लेसर दोनों में तो कन्फ्यूजन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे लास्ट डिस्क्लोजर के कुछ आइटम्स में शॉर्ट टर्म लीजेस की जो कमिटमेंट्स इन पोर्टफोलियो होती हैं उस पर डिस्क्लोजर देना एक ज़रूरी है जो एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड में है और ख़ास तौर पर आपने बताना है कि लेस ऑफ डिस्कोद लीज़ कमिटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म लीज इज अकाउंटेड इफ द पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट टर्म लीज टू विच इट इज कमिटेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड इज डिसिमिलर टू द पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट टर्म लीजे टू विच द शॉर्ट टर्म लीज एक्सपेंस डिसक्लोज आपका जो लास्ट ईयर का एक्सपेंस है वो जरा डिफरेंट पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है और एंड ऑफ पीरियड पर जो आपका पोर्टफोलियो है वो उससे डिफरेंट है तो आपको ये डिस्क्लोजर दे अगर आपकी जैसे शॉर्ट टर्म डीजीज पहले चल रही थी वैसे ही अभी भी चल रही हैं तो फिर आपको इस डिस्क्लोजर की ऐसा जरूरत नहीं है एडिशनल डिस्कलोजर टू मीट डिस्कलोजर ऑब्जेक्टिव डिस्कलोजर ऑब्जेक्टिव ये है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिसकी बेस पर वो लीज़ के उसकी फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोज़ पर जो इम्पैक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें सो so, द एडिशनल इंफॉर्मेशन मे इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू यानी ये जो आइटम्स हैं ये आप शामिल कर सकते हैं लेकिन ये फाइनल लिस्ट नहीं है इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यूजर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है तो आप बिल्कुल उसे भी देंगे तो नेचर ऑफ लीजिंग एक्टिविटीज़ लेसी की जो है वो बताएंगे फ्यूचर कैश आउटफ्लोज बताएंगे जिसपे लेसी जो है पोटेंशली एक्सपोज है क्योंकि आपको जो रेंटल्स देने हैं वो एक कैश आउटफ्लो है और फ्यूचर में वो कैश आउटफ्लोज आपके लिए कैश फ्लो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं खास तौर पे इस एक्सपोजर में जो वेरिएबल लीज पेमेंट्स देनी पड़ सकती हैं एक्सटेंड हो गई लीज तो कितने पैसे देने पड़ेंगे टर्मिनेट ना हुई लीज तो फिर क्या देना पड़ेगा रेजिडुअल वैल्यू गारंटी में कितने पैसे देने पड़ सकते हैं ऐसी लीजेस जो अभी शुरू नहीं हुई उनकी अकाउंटिंग भी अभी आपने शुरू नहीं की लेकिन आप एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं तो लीज नॉट येट कमेंस टू विच द लेसीज कमिटेड उनके बारे में बताएंगे फिर रिस्ट्रिक्शन और कॉम्नेंट इम्पोज बाई लीजेज का लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप मजदीद अगले तीन साल तक लोन नहीं ले सकते या इससे ज्यादा अमाउंट का लोन नहीं ले सकते तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन और कॉमनेंट्स कॉमनेंट्स भी एग्रीमेंट की क्लासेस को कहते हैं इसी तरह अगर कोई आपने सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन की हैं तो उनके बारे में आपने बताना है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि एक आइटम आप सेल करते हैं वही वाला आइटम आप दोबारा लीज पर ले लेते हैं और लेसी दैट अकाउंट्स फॉर शॉर्ट टर्म लीजे और लीजेज ऑफ लो वैल्यू एसेट्स यूजिंग रिकिग्निशन एग्जामेशन रिकग्नीशन एग्जामेशन का मतलब यह है कि लेसी जो है वो जो नॉर्मल अकाउंटिंग हमने पढ़ी है कि राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट करना है लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है वो अप्लाई नहीं कर रहे होते और सिंपल रेंटल अकाउंटिंग अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो ये फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट के लिए एग्जाम्पन यूज कर रहे हैं और नॉर्मल अकाउंटिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये लेसी से रिलेटेड कंप्लीट हमारी अकाउंटिंग थी बेसिक लेवल पे दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे